जय गुरु जी संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना चमत्कारी सत्संग है, इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी सोमवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा सब कुछ कि ये कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी कि इतना कुछ आपके साथ कैसा हो गया, इतनी ब्लेसिंग आपको कैसे मिल गई, इतनी कृपा आपके ऊपर गुरु जी की कैसे हो गई। संगत जी आप हैरान हो जाओगे। और इतना ही नहीं, आज का ये सत्संग सुन कर ना आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। और संगत जी इसी के साथ साथ आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि गुरु जी खुद आज आ रहे हैं आपके घर में पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये बोलता हूं। और इतना ही नहीं, अगर जैसे आपके घर में आजकल पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जगह जगह आप लोगों के पास जाते हो, हाथ फैलाते हो, पैसे मांगते हो, थोड़े से पैसे के लिए अपनी बेइज्जतियां करवाते हो, संगत जी मैं तो ये कहता हूं आजकल हर किसी के घर में पैसों की दिक्कत है, पैसों की परेशानी तो हर घर में है संगत जी आज की डेट में। क्योंकि देखो संगत जी ये इसलिए है क्योंकि लोगों का काम नहीं है, लोगों का काम ही नहीं है संगत जी, तो इसलिए पैसे की परेशानी आती है, फिर हमें जगह जगह हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश कर दें, ताकि आपकी सारी मनी प्रॉब्लम, सारी आपकी पैसे की दिक्कत खत्म हो जाए और आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाए। संगत जी घर में पैसा ही पैसा रहे, मैं तो ये कहता हूं। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है।
और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का आज का सोमवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरु जी की आज की खास खास ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, कि ये 10-15 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरु जी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, साथ ही साथ गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा भी कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पूरा सत्संग सुनना चाहिए अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या, सत्संग सुनने से ना बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है, बड़े बड़े काम हो जाते हैं रुके हुए, जो सालों से रुके काम होते हैं ना घर के, वो आप सत्संग सुनो, आपके काम ऐसे हो जाएंगे। सिर्फ चुटकी बजाने में जितना टाइम लगता है ना, उतना टाइम लगेगा गुरु जी को आपके सारे काम करने में। इतनी ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी, लोगों को ये बात समझ नहीं आती। लोग आजकल लगे हुए पैसे कमाने के पीछे, पैसा कमाना है लोगों को, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती लोगों ने करना क्या इतने पैसों का, होगा क्या इतने पैसों से। संगत जी, खानी सिर्फ दो रोटी है, चाहे आप हजारों कमा लो, लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, ये बस मन का लालच है। खानी सिर्फ दो रोटी है संगत जी। लोग आजकल समझते नहीं है कि अगर हम गुरुजी का सत्संग ही सुन ले तो लाखों करोड़ों रुपए क्या संगत जी, गुरुजी ऐसा आपके ऊपर कृपा कर देंगे, ऐसा आपको ब्लेस कर देंगे कि रोज आपके घर में पैसों की बारिश होगी। रोज, हर रोज संगत जी गुरु जी आपके घर में पैसों की बारिश करने आएंगे। आप आज मेरी बात को मानो, इतने अमीर हो जाओगे संगत जी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं कभी इतना अमीर भी बनूंगा। गुरु जी आपको अमीर बना देंगे। आप आज मेरी बात मान के सत्संग सुनो, गुरु जी आ रहे हैं आपके घर में आज पैसों की बारिश करने, उसके बाद से आपके घर में बरकत ही बरकत होने लग जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत पवन गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं पवन गुप्ता रानी बाग दिल्ली में रहता हूं। संगत जी, एक बूढ़ा बाप आया है सत्संग शेयर करने के लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं। संगत जी, मेरा बेटा मरने वाला था संगत जी। मेरा बेटा अगर हमें 2023 के अंदर गुरुजी हमारे ऊपर कृपा अपनी ना करते ना, तो आज मेरा बेटा मर गया होता। बिल्कुल सही सुना आपने संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 में शुरू हुई है। और मैं एक पिता हूँ, मैं एक पापा हूँ संगत जी, मैं एक फादर हूँ, मैं एक बाप हूँ संगत जी। अपने मतलब आप देखो, मैंने बड़े दुख देखे हैं लाइफ में, बड़ी परेशानियां देखी हैं, चाहे वो पैसे की हो, चाहे हेल्थ की हो, चाहे घर की हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे काम की टेंशन हो, हर परेशानी देखी संगत जी। ऐसी मैंने बाल सफेद नहीं कर लिए अपने, ऐसी मैंने बाल सफेद नहीं किए संगत जी। ये मतलब आज मेरे पैर बिल्कुल घिसे हुए हैं संगत जी, पैर बिल्कुल। पर क्या बताऊं आपको, परेशान ही इतना था, कोई साथ नहीं देता आजकल संगत जी। ये दुनिया बड़ी खराब है, ये दुनिया बड़ी खराब है संगत जी। लोग भूल जाते हैं। आप आज किसी की हेल्प करो ना,
कल वो आपको भूल जाएगा, जब वो बड़ा बन जाएगा तो आपको भूल जाएगा। संगत जी मेरे साथ भी यही हाल, बहुत परेशान दुखी, कुछ समझ ही ना आए क्या करूं। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं संगत जी, एक बूढ़ा बाप आपसे कह रहा है, एक बूढ़ा आदमी, कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना और लाइक शेयर कर दीजिए संगत जी, क्योंकि बिना लाइक शेयर किए सत्संग आगे नहीं जाएगा। जय गुरु जी। मेरा नाम पवन गुप्ता है, मैं रानी बाग में रहता हूँ। हालातों का मारा संगत जी मैं वैसे ही था, परेशानियां लाइफ में वैसी बड़ी थी। 2023 आया हमारी लाइफ में, एक तरीके से संगत जी सबसे बुरा साल भी आप कह सकते हो और सबसे अच्छा साल भी कह सकते हो। मेरे संगत जी एक बेटा ही बेटा है मेरा, उसका नाम है दीपक। मेरा बेटा मुझे क्या कहता है, पापा मेरे को ना बड़ी मेरी तबीयत खराब लग रही है बड़ी, मेरे को ना ना मेरा ऑफिस जाने का मन कर रहा है, ना कुछ खाने का मन कर रहा है, पापा मैं क्या करूं। तो मैंने कहा बेटा देख, अगर तेरी तबीयत खराब है ना, तू ऑफिस मत जा, मैं तेरे को डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। हमारे संगत जी यहीं पे रानी बाग के अंदर हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, बड़े पुराने, मैं जवानी के टाइम से उनके पास जा रहा हूँ, मतलब काफी साल हो गए। तो बेटा मेरा तैयार हो गया, कहते थे पापा चलो चलते हैं। हम लोग गए संगत जी, डॉक्टर साहब को मेरे बेटे ने बताया ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द है, ना कुछ खाने को मन कर रहा है, और एक अजीब सी दर्द होती है पीठ के अंदर, पेट के अंदर, कि कुछ पता भी नहीं चलता ये क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा देखो, मैं वैसे आपको दवाइयां दे सकता था, अगर मैंने पैसे बनाने होते ना तो मैं आपको दवाइयां लिख के दे दूंगा अभी चाहे, पर मैं आपको दवाई नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग मेरे मतलब घर जैसी बात है, आप पहले टेस्ट करवा के आओ, पहले टेस्ट करवाओ, अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ, फिर देखते हैं, कुछ हो सकता है कोई आपको स्टोन वगैरह हो, कोई पथरी वगैरह हो, तो फिर उस हिसाब से आपको मैं दवाई दूंगा। संगत जी मैंने भी कहा चलो हो जाती है। संगत जी आजकल मतलब कि जवान लोगों को ज्यादा बीमारियां होती हैं जहां तक मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगा होगा कोई पथरी वगैरह हो गई होगी, स्टोन वगैरह हो गया होगा, दे देंगे दवाई डॉक्टर साहब, दवाई से निकल जाएगा वरना ऑपरेशन करवा लेंगे, इसमें ऐसी कौन सी बात है, इलाज तो है ना बीमारियों का। संगत जी मैंने अपने बेटे को समझा दिया ऐसे ऐसे करके, तो बेटा मेरा कहता है पापा चलो कोई बात नहीं, हम लोग मतलब कि टेस्ट करवा लेते हैं, जरा एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, ठीक है। पास ही में लैब थी, मैंने कहा बेटा अभी करवाना, कहता है हाँ अभी करवा लेते हैं। खाली पेट तो था ही, वैसे भी सुबह सुबह का टाइम था। संगत जी हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए, दो तीन नंबर के बाद हमारा नंबर था, वहां बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद एक लड़का आता है कहने के लिए मेरे बेटे को, दीपक, मिस्टर दीपक आपको अंदर अल्ट्रासाउंड के लिए आ जाओ आप। मेरा बेटा गया, 15 मिनट के बाद मेरा बेटा बाहर आता है, बाहर आ गया, मैंने पूछा रिपोर्ट कब मिलेगी, कहता शाम को मिल जाएगी। तो मैंने कहा मैं ही आ जाऊंगा शाम को, ले जाऊंगा रिपोर्ट, तू घर पे रेस्ट कर आराम से, ठीक है। संगत जी घर आ गए, मेरे घर में संगत जी मेरा एक बेटा ही बेटा है, ना मेरी आंटी है और ना मेरे बेटे की शादी हुई हुई है, सिर्फ एक मेरा बेटा। हम लोग दोनों घर पे रहते हैं, मतलब संगत जी कुक आता है घर पे, खाना बनाता है और चला जाता है, हमारा और कोई नहीं है दुनिया में। अब आप देखो हुआ क्या, अब घर आए तो मेरा बेटा रेस्ट कर रहा था, अपने रूम में चला गया। मैं संगत जी पूरे शाम को 5 बजे आ गया यहाँ पे लैब में रिपोर्ट लेने के लिए। रिपोर्ट ली, डॉक्टर साहब जिन्होंने रिपोर्ट दी थी मैंने उनसे पूछ लिया कि इसमें क्या आया है, मतलब कि अल्ट्रासाउंड में क्या कोई प्रॉब्लम है कि ठीक है बिल्कुल। वो कहते हैं हाँ है ही है, प्रॉब्लम तो है ही है, आपके बेटे के पेट में ना काफी सारे मतलब ट्यूमर हो गए हैं। संगत जी मैं समझा नहीं कि ये क्या कह रहे हैं, ट्यूमर किसको कहते हैं, मुझे लगा स्टोन वगैरह होंगे। तो मैंने कहा वो तो निकल जाएंगे ऑपरेशन से, कहते हैं हाँ निकल जाएंगे ऑपरेशन से। तो कहते नहीं ऐसे निकालना ठीक नहीं है, हो सकता है कि वो कैंसर के लक्षण हैं।
मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या बोल रहे हो आप, स्टोन है पेट में तो निकल जाएंगे ना, वो स्टोन का कैंसर से क्या लेना देना है। वो कहते नहीं स्टोन थोड़ी है, ये पेट में आपके बच्चे के पेट में मांस के ट्यूमर, आप जिसको कह लो गिल्टियां हो गई हैं मांस की अंदर, और हमें समझ नहीं आ रही कि अब ये कैसे, मतलब आपका बेटा, आप पहले अपने डॉक्टर को दिखा लो। वो कहते हैं अपने जो आप जिनसे इलाज आपका चल रहा है। मैंने कहा ठीक है संगत जी, इतनी बात मैंने करी, मैं सीधा ना घर आया ना कुछ, मैं वहीं डॉक्टर के पास चला गया जो हमारे फैमिली डॉक्टर जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, वहां गया, मैं वहां गया संगत जी, तो वहां डॉक्टर के पास बड़ी भीड़ लगी हुई थी, बहुत लोग आए हुए थे, बड़े लोग बीमार थे। डॉक्टर साहब ने मुझे देख लिया, हाथों में रिपोर्ट पकड़ी हुई है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, तो उन्होंने मुझे पहले बुला लिया अंदर की जरा, इन्होंने तो खाली रिपोर्ट दिखानी है, तो मैं देख लेता हूँ, 5 मिनट लगेंगे, बाकी फिर और पेशेंट को देख लूंगा। ठीक है संगत जी, रिपोर्ट देखी, वो डॉक्टर साहब बड़े हैरान हो गए, कहते ये क्या हो गया दीपक को। मैंने कहा क्यों डॉक्टर साहब क्या हो गया। वो कहते हैं इसके पेट में ना ट्यूमर हो गए हैं काफी सारे। अब मतलब, तो मैंने कहा क्या है, मतलब ये क्या होता है ट्यूमर। कहते कैंसर की तरह होता है, फैल जाता है, फिर मतलब सारी चीजें वैसी होती हैं। तो मैंने कहा तो कैसे कैसे ठीक होगा मेरा बेटा। वो कहते हैं ये तो दवाइयां भी काम नहीं करेंगी इसमें, तो ये आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसका सर्जरी होगी इसकी, आप किसी सर्जन को मिल लो। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को कौन जानता है सर्जन, आप ही बताओ कोई है तो आपका जानकार। वो कहते हैं हाँ है तो सही, पर वो यहाँ पे नहीं है, वो मतलब बहुत बड़ा, संगत जी मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, मैं किसी का नाम लेने के लिए यहाँ पे नहीं आया हुआ, किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ। बहुत बड़ा नाम है उस हॉस्पिटल का। वो कहते हैं यहाँ चले जाओ, यहाँ मेरे डॉक्टर साहब बैठते हैं, इनका नाम है, इनका नंबर है, पहले फोन पे बात कर लो, बुला लेंगे आपको, मेरा बता देना कि मैंने भेजा। मैंने कहा ठीक है, घर आ गया संगत जी, रिपोर्ट थी, लड़का मेरा पूछता है बेटा मेरा कि पापा क्या आया रिपोर्ट पे, तो मैंने बेटे को ऐसे ही कह दिया कि बेटा कुछ है, वो पेट में इन्फेक्शन सा हो गया कुछ, तो डॉक्टर साहब से मिलेंगे, वो ठीक कर देंगे। वो कहते चलो ठीक है पापा। वो फिर सोने चला गया, दवाइयों का संगत जी था, उसको नशा था दवाइयों का, जो उसने दवाइयां पहले खाई हुई थी दर्द वगैरह की, तो उसमें था वो, तो फिर जाके अपने कमरे में सो गया। अब मैं संगत जी डॉक्टर साहब को मैंने फोन मिलाया, जिनका मैं फोन नंबर लेके आया था, फोन मिलाया, मैंने सारी चीजें बताई, रेफरेंस दिया, ऐसे ऐसे करके मेरा बेटा बीमार है, इन डॉक्टर साहब ने मुझे नंबर दिया आपका, मेरे को आपसे मिलना है। तो कहते आप आज ही शाम को आ जाओ, आज ही आ जाओ, मतलब संगत जी तब बजे थे 8, तो वो कहते अभी आ जाओ। मैंने कहा अभी आ जाऊं, तो मैंने कहा हाँ चलो मैं अभी आ जाता हूँ आपके पास। बेटे को मैंने संगत जी कहा कि बेटा रेडी हो जाओ, कुछ खाना पीना तो खा लो, वरना हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं अभी, उनको दिखानी है रिपोर्ट। वो कहते चलो ठीक है पापा। संगत जी चाय वगैरह पी बेटे ने, सीधा हमने कैब बुक करी यहाँ से रानीबाग से, सीधा पहुंच गए बहुत बड़े हॉस्पिटल में। वहां जाके नंबर वगैरह लगवाया, पूरी सारी चीजें हुई। हमारा जब नंबर आया संगत जी, तो डॉक्टर साहब मेरी शक्ल देख के मुझे कहते हैं बचना बड़ा मुश्किल है बेटे का। मैं हैरान हो गया संगत जी सुन के ये बात कि डॉक्टर कह रहे हैं बचना बड़ा मुश्किल है, और बेटा मेरा मुंह देख रहा है, और वो पूछते डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हो गया। तो कहते आपको हो सकता है कैंसर है। मेरा बेटा वही संगत जी मतलब रोने लग गया बड़ी तेज तेज, ये क्या हो गया पापा मेरे को, ये क्या हो गया। मैंने कहा बेटा मतलब शांति रखो, डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं ना, इन्होंने ही आपका इलाज करना है, सारी चीजें होंगी, घबरा मत। संगत जी डॉक्टर साहब ने बताया कैंसर के लक्षण लग रहे हैं, इलाज होगा, सर्जरी होगी पूरी, उसके बाद देखते हैं क्या है। सारा कुछ पूछा मैंने, एक एक चीज पूछी, कहते ठीक हो जाएगा, चांसेस हैं मतलब ठीक होने के भी, और वैसे भी 50-50 है ठीक हो जाए, बाकी तो फिर जाना तो है ही। संगत जी मेरे मन में बात आ गई कि अब मेरा बेटा मेरे हाथों से निकल जाएगा, अब मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरे दिमाग में आ गई बात ये। बोले सुन के डॉक्टर साहब से कि जहाँ उन्होंने ये बात बोली ना कि मतलब कुछ ही टाइम है बस,
तो आ जाती है मन में बात कि अरे ये क्या हो गया। घर आए, घर आके मैंने संगत जी कुक वगैरह आया हुआ था, उसने खाना वगैरह बनाया, मेरे बेटे ने खाना भी नहीं खाया। उस पूरे दिन उसने खाना नहीं खाया, अगले दिन चला गया ऑफिस में। वो ऑफिस में क्या गया संगत जी कि मेरे को एक और रास्ता मिल गया। वरना अगर वो उस दिन घर पे होता ना तो वो मुझे उन अंकल से मिलने भी ना देता, क्योंकि वो गुरुजी की संगत थी। एक मेरे बेटे को संगत जी, ना तो वो मंदिर में जाता है किसी, ना किसी गुरुद्वारे में जाता है, और ना मतलब कभी उसने मुझे देख लेना अगर कि मैं पंडितों के पास खड़ा हूं या किसी बाबा या संत महात्मा के पास खड़ा हूं तो वो मुझे गुस्सा करता था, बाबा आप ऐसे क्यों खड़े जाते हो उनके पास, ये लोग बड़े खराब होते हैं। मेरा बेटा मुझे ऐसे संगत जी बोलता था, मैं आगे से कहता था बेटा देख ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सब लोग भगवान का मतलब कि बनाए हुए सब बच्चे हैं भगवान के, ऐसा क्यों बोलता है किसी के बारे में। उस दिन गया वो ऑफिस, पीछे से मेरे घर पे अचानक से, मैंने किसी को घर नहीं बुलाया, अचानक से एक संगत गुरु जी की एक अंकल आ जाते हैं मेरे पास में, जो कि हमारे एरिया में रहते थे। आते हैं मेरे पास, पूछते हैं घर बार का सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। बातों बातों में संगत जी मैंने बता ही दिया कि मेरे बेटे की तबीयत ऐसे करके खराब हुई हुई है। कहते अच्छा जो क्या हो गया, सारी चीजें बताई। कहते कोई बात नहीं गुरुजी सब ठीक करेंगे। मैंने कहा गुरुजी ये कौन है गुरुजी सब ठीक करेंगे। वो कहते हम जहाँ जाते हैं ना वहां मतलब गुरुजी है वहां पे, तो वो सब ठीक कर देंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। संगत जी वो अपने घर गए अंकल, फिर से आ गए 10 मिनट के बाद। कहते ये गुरुजी का स्वरूप है और ये जल प्रसाद है, ये अपने पास रख लो, बेटे को जल प्रसाद पिलाना और बेटे के तकिए के नीचे गुरु जी का स्वरूप रख दो। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगले कुछ दे ही रहे हैं ना, कुछ ले तो नहीं रहे ना मेरे से, दे रहे देने तो कोई बात नहीं। रख लिया गुरु जी का स्वरूप और जल प्रसाद मैंने अपने बेटे को, मैंने संगत जी पूरा जल प्रसाद ना, वैसे मेरा बेटा ना पीता, मैंने पूरा का पूरा जल प्रसाद संगत जी उसकी बॉटल में भर दिया ताकि वो आए ऑफिस से और सीधा अपना जल प्रसाद पी ले, उसको लगेगा पानी पी रहा हूं पर वो होगा जल प्रसाद। मैंने संगत जी थोड़ी सी चलाकी कर ली इसमें, क्योंकि संगत जी वो जब वो मानता नहीं कुछ नहीं तो उसको पिलाना कितना मुश्किल था मेरे लिए, है ना, जबरदस्ती कहीं कोई कैसे पिलाए, है ना, जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। तो ऐसे हुआ, 4-5 दिन के बाद हमें डॉक्टर ने फिर बुलाया हुआ था कि आप आना जरा चेकअप करते हैं, फिर देखते हैं जरा इलाज वगैरह कैसे होता है, सारी चीजें देखते हैं फिर। संगत जी आप मानोगे नहीं मेरी बात, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक। संगत जी आपको यकीन नहीं हो रहा था मेरी बात पे अभी, पर मुझे पता है डॉक्टर साहब ने दोबारा अल्ट्रासाउंड किया जाते ही, और बल्कि एक एक चीज मुझे बताई उन्होंने, ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है इसको। वो कहते ये है क्या, ये बच्चा वही तो है ना, कोई और तो नहीं ले आया, इसको भाई भाई तो नहीं ले आया कहीं, ये वही है ना। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक ही मेरा बेटा है, दीपक नाम है उसका, दीपक गुप्ता, आप कह रहे हो कोई और ले आया, वही है। कहते इसको कुछ नहीं, घर ले जाओ इसको, सब ठीक है इसका, इसको कहो कि बाजार जाए छोले भटूरे खा के आए बाजार से, कुछ नहीं है इसको। मैं हैरान हो गया संगत जी, मेरा बेटा वहीं खुश। वहीं से संगत जी हम लोग सीधा, हमारे यहाँ छोले भटूरे की बड़ी दुकान फेमस है, वहां आए और खुशी में मैंने 5 लोगों को वहां पे, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ, 5 लोग जो थोड़े से वहां पे खड़े हुए थे ऐसे, मैंने कहा मेरी तरफ से आप सब खाओ, सबको खिलाए, खुद भी खाए और घर आए संगत जी। ये कृपा गुरु जी की मेरे ऊपर हुई है, मेरे परिवार के ऊपर हुई है। वरना संगत जी हम लोग तो रुल जाते, अगर मेरा बेटा को कुछ संगत जी हो जाता ना अगर, तो मैं अकेला क्या करता, मैं अकेला संगत जी आज भी मरा हुआ हूं कल भी मरा हुआ हूं, कोई फर्क थोड़ी है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो और घर में गुरु जी का स्वरूप जरूर रखो। लाइक शेयर करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।